नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गगन कुमार पटेल, आयुर्वेद चिकित्सक। आपका हमारे चैनल आयुर्वेदनी में स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के प्रसिद्ध शोधन चिकित्सा पंचकर्म के प्रधान एवं प्रथम होमन कर्म पर चर्चा करेंगे और साथ ही इसे प्रैक्टिकली देखेंगे भी। होमन कर्म का सामान्य अर्थ है शरीर में जम रहे दोषों को या फिर टॉक्सिन्स को मुख मार्ग से बाहर निकालो। शरीर से कफ दोषों को बाहर निकालने के लिए और कब से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए वमन कर्म सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। वमन कर्म किसे और कब करना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, वमन कर्म कफज रोगों की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। इसलिए उन सभी लोगों में जो कफ के कारण होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, स्किन डिजीज, लेप्रोसी, फंगल इन्फेक्शन, एक्ने, डर्माटाइटिस, ये सब, इसके अलावा शरीर के वो सभी रोग जिनमें शरीर में स्वेलिंग आता है, जैसे फाइलेरिया, थायराइड, गॉइटर, इसके अतिरिक्त पाचन संबंधी सभी रोगों में जैसे भूख ना लगना या ठीक से पाचन करना होना, बहुत ज़्यादा एसिड बनना, विष विकार में वमन करना सर्वश्रेष्ठ है, ये सब के सब जानते हैं, मेदो रोग, मोटापा, नींद का बहुत ज़्यादा आना, बिना काम किए थकावट लगना, इस टाइप के सभी कफज रोगों में वमन कर्म सबसे बेस्ट। केवल रोगों के अतिरिक्त स्वस्थ व्यक्ति भी वमन कर्म करा सकते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए वसंत ऋतु में वमन कर्म कराना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि वसंत ऋतु में कफ सामान्य रूप से ही प्रकोपित होता है। स्नेहन दो प्रकार से कराया जाता है, एक अभ्यंतर स्नेहन जिसमें स्नेह या फिर घी को पिलाकर स्नेहपान कराया जाता है, और दूसरा बाह्य स्नेह जिसमें सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन कराकर स्नेहन कराया जाता है। स्नेहपान रोगी के कंडीशन को देखकर और उसके पाचन शक्ति के अनुसार 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन कराना चाहिए। स्नेहपान कंप्लीट हुआ है, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है रोगी को स्नेह से द्वेष हो जाएगा। रोगी स्नेह को देखते ही उसे उससे घृणा होने लगेगी, तो उसके स्टूल से स्नेह आना शुरू हो जाएगा और शरीर उसका चिकना हो जाएगा। स्नेहपान के दौरान पथ्य का सेवन बहुत आवश्यक है। जब स्नेहपान किया जाता है तो रोगी को भूख बिल्कुल नहीं लगती है। जब तक रोगी को अच्छे से भूख ना लगे तब तक उसे कुछ नहीं खाना चाहिए। स्नेह पच गया है, इसे जानने का तरीका है रोगी को 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर देखना चाहिए। जब स्नेह का डकार ना आए तो यह समझें कि वह स्नेह पच चुका है। उसके बाद हाथ पैर को गुनगुने पानी से अच्छे से धो लें और फिर पतला खिचड़ी खाने में लेना चाहिए ताकि वह आसानी से पच जाए। जिस दिन स्नेहपान पूरा होता है 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन बाद, उसके बाद 1 दिन रुक कर, अर्थात 7 दिन स्नेहपान किया गया हो तो 8वें दिन रुक कर 9वें दिन वमन कराया जाता है। अगर 5 दिन स्नेहपान किया गया हो तो 6वें दिन रुक कर 7वें दिन वमन कराया जाता है। यदि 3 दिन स्नेहपान किया गया हो तो 4वें दिन रुक कर 5वें दिन वमन कर्म कराया जाता है। वमन कर्म कराने के पहले दिन रात्रि में कफ को बढ़ाने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। कफ को बढ़ाने वाले आहार हैं उड़द से बने हुए पदार्थ, दूध, दही या फिर जलीय मांस। वमन कर्म कराने के 2 दिन पहले और जिस दिन वमन कर्म कराया जाता है उस दिन पूरे शरीर का सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन कराया जाता है। वमन कर्म कराने के पहले सभी सामग्रियों का एकत्र करना और औषधियों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। यह वमन कर्म कराने के लिए व्यवस्था है। ये वामक सामग्री, मदन फल, वचा चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, शहद, सैंधव नमक, दुग्ध और मुलेठी फांट। ज्यादा वामक योग है मदन फल,
5 ग्राम बचा चूर्ण मदन फल से आधा, बरहियस्सी चूर्ण, सेंधा नमक और मधु आवश्यकता अनुसार। वमन की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वमन करते समय गंदगी ना हो इसलिए एक वस्त्र, एक छोटा वस्त्र भी दे देंगे ताकि मुंह पोंछने का काम आए। सबसे पहले दुग्ध को आकंठ पान कराना है ताकि कप अच्छे से उत्क्लेशित हो जाए। हाँ, पीना है उसको। दूध को आकंठ पान करना है जब तक गले तक पूरा भर ना जाए। आकंठ दुग्ध पान के बाद वामक योग को मधुक पान के साथ घोलकर पिलाना है। वामक योग का पान एक बार में पी जाइए उसको। इसके पश्चात वमनोपक मधुक फांट पिलाना है आकंठ, और वमन के वेग को प्रवृत्त कराना है। वमन का प्रथम वेग उसको बिना कुछ सोचे पीते जाना है, एकदम आसानी से पानी पीने जैसा पी जाइए। जब अमन का तीसरा वेग है पूरा कप लगभग बाहर आ चुका है। चतुर्थ वेग पेट को थोड़ा दबाना सकुन, और जरूरत पड़ेगा तो पेट के पास नाभि को थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ दोनों कंधे को दबाते रहो और नीचे से ऊपर सहलाओ। Oh.
पवन का पांचवा वेग, नीचे से ऊपर चलाओ सब। हल्के हाथों से सहलाना। भगवान का छठवां वेग, भगवान का सातवां वेग, साथ में पित्त भी निकल गया है बाहर। रिलैक्स लग रहा है ना? ठीक, नहीं बस वो हो गया। और सैंधव जल से उधर शुद्धि कराना है बस। वमन के सात वेग पूरे हो चुके हैं और पित्तांत दर्शन हो गया है, पित्त भी निकल चुका है। अब उधर के शोधन के लिए सैंधव जल देंगे। वो पित्त है वो अभी, हाँ तुम आग बंद करके पी जाइए उसको। उसको भी पी जाइए। एक बार और दो। सैंधा जल द्वारा अंतिम और शुद्ध वेग। बचे हुए सारे औसत अंतिम वेग में बाहर आ चुके हैं। उधर के प्रक्षालन के लिए एक बार और सैंधव जल से वमन कराएंगे ताकि औसत की मात्रा उधर में बिल्कुल ना रहे और किसी प्रकार का उपद्रव होने का डर ना रहे। अंतिम और शुद्ध वेग है ये, इसमें औसत की बिल्कुल कोई मात्रा नहीं है। उधर में अवशिष्ट जितने औसत थे सारे बाहर आ गए। वमन कर्म हमारा यहाँ पूर्ण हुआ। सारा कप बाहर आ चुका है, साथ में पित्त भी दिख रहा है, जो चमकीला चमकीला इसमें जो दिख रहा है वो पित्त है। लगभग 8 से 10 लीटर वमन कंप्लीट हुआ है। अभी उस जल में पैर को डुबाना है। हाँ, 8 से 10 लीटर लगभग वमन हुआ है। कर्म पूर्ण हो चुका है। अब वमन से होने वाले तकलीफ को दूर करने के लिए
पैर को गर्म पानी में डुबा कर रखना है। जो हार्ट का पेशेंट है वो कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। हार्ट के पेशेंट के लिए निषेध है वमन का। वमन कर्म करने के पश्चात ग्रीवा और नासा में कुछ मात्रा में कफ चिपका हुआ ऐसा महसूस होता है, उसके लिए वमन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण पश्चात कर्म है धूमपान। नाक से लेके मुंह से बाहर निकालना है, नाक से लेना है और मुंह से बाहर निकालना है, नाक से वापस नहीं छोड़ना है। स्नेहपान से स्टार्टिंग से लेके सर्वांग अभ्यंग स्वेदन किए और आज वमन कराया, तो आपको कैसा कैसा महसूस हुआ, क्या क्या अंतर लगा वो बताइए आप। काफ़ी रिलैक्स लग रहा है मुझे अभी वमन कर्म करने के बाद। ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था शुरू में शिरोधारा, वो काफ़ी रिलैक्सिंग प्रोसेस था, करने के बाद बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद तर्पण भी काफ़ी रिलैक्सिंग था, थोड़ा सा बस पेन होता है लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा लगता है आपको। और ये जो मालिश वाला प्रोसेस था शायद सर्वांग शोधन, सर्वांग अभ्यंग, हाँ सर्वांग अभ्यंग, तो वो तो मालिश तो ऐसे ही रिलैक्स के लिए ही किया जाता है, उसमें भी काफ़ी रिलैक्स मिला। और स्टीम भी जानती होंगे काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। और अभी जो हुआ वमन, तो ये तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन जो भी थोड़ा तकलीफ हुई उसके बाद का जो फीलिंग आता है वो हर किसी को फील करना चाहिए। इसके बाद जो लग रहा है मुझे वो काफ़ी लाइट वेट लग रहा है, एकदम रिलैक्स लग रहा है, तो मुझे लगता है सबको इसको एक बार करवाना चाहिए। थैंक यू। एक दो नंबर में उसको ना गैस्ट्रिक वास बोलते हैं, जो सुबह सुबह खाली पेट में ना, हाँ 2-3-4 गिलास गुनगुना पानी पी के जो तुरंत उल्टी करते हैं वो गैस्ट्रिक वास है। उसमें मतलब पूरे शरीर का जो दोष है ना वो बाहर नहीं आता लेकिन पेट पूरा साफ हो जाता है, है ना, पेट का जो कफ है और जो मतलब गंदगी है वो तो पूरा साफ हो जाता है। पर वमन कर्म से पूरे शरीर में जो दोष एकत्रित है वो स्नेहन से पहले मतलब स्रोतों में आता है, फिर कोष्ट में आता है, उसको फिर पूरा बाहर निकालते हैं, तो वो जो पूरा जमा हुआ गंदगी पूरा बाहर आ जाता है। अब 7 दिन इसके बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद ना अब संसर्जन क्रम कराएंगे। अभी आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रहा होगा, इतने दिन से जो प्रक्रिया चला है उससे आपका अग्नि बहुत ना कम हो गया है, अग्नि पूरा शांत हो गया है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपको जो भूख है उसको पहले बढ़ाना है हम लोग को, तो उसके लिए आपको मतलब खाने का एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको भोजन करना है। पहले तो अभी शुरू के 3 दिन आपको सुबह शाम एक पतला खिचड़ी खाना है, 3 दिन के बाद में फिर आप 3 दिन तक खिचड़ी को थोड़ा सा गाढ़ा बना के खा सकते हैं, उसके बाद में फिर नॉर्मल खाने पे आएंगे, ठीक है। 7 दिन तक अभी और आपको मतलब पथ्य का ही सेवन करना है, जैसा भी खाना चल रहा था, भोजन आपका चल रहा था, उसके बाद में फिर अपन नॉर्मल खाने पे आएंगे।